अच्छा इस अगले सवाल पे फोकस करो अगला सवाल है यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम हैविंग पैरेलल साइड्स 65 मीटर एंड 44 मीटर ओके okay, तस्कीन इफ यू हैव लाइक माय वीडियो वेरी गुड नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजी यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम हाउ टू फाइंड इट्स एरिया यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम दो पैरेलल साइड्स दिए हैं 65 मीटर एंड 44 मीटर और उनका जो सेपरेशन दिया है पैरेलल साइड्स का जो हाइट दी है ठीक है वो दिए 20 मीटर ओके क्योंकि इट्स 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 डायरेक्टली बेस्ड इसमें कुछ है ही नहीं ठीक है बट आई ड्रॉ द डायग्राम हाँ मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं ट्रैपिजम क्या होता है ट्रैपिजियम इज अगेन क्लोज फिगर इट्स अ क्वारेटर ओनली जिसमें सिर्फ दो साइड्स क्या होती हैं पैरल और नॉट सेम दो साइड पैरेलल तो होती है लेकिन सेम नहीं होती इस तरीके से आप आप ले सकते हो ठीक है ये एक ट्रेपीजियम है ये दो पैरेलल साइड्स हैं जिसको मैं एल वन और एल टू कह रहा हूँ ये दो पैरेलल साइड्स सपोज ये एल वन कितनी है सपोज़ फोर्टी फोर मीटर है और एल टू कितना है सिक्सटी फाइव मीटर है और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है सेपरेशन का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींचूंगा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हाइट ये आपको ट्वेंटी मीटर दी है So, जो एरिया होता है ट्रेपिजियम का ठीक है एरिया ऑफ ट्रेपिजियम इज नथिंग बट हाफ ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम जो उन दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस है ठीक है तो अगर यहां पर आप वैल्यूज रखोगे पुट वैल्यूज हियर, हाफ इंटू समू पैरल साइड विल बी सिक्सटी फाइव प्लस फोर्टी फोर इंटू हाइट इज हाउ मच ट्वेंटी